साथियों, आज हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित ममता सेन हमारे मुख्य अतिथियों को मैं सादर से अभिनंदन करता हूँ और यहाँ पर सभी जन समूह को मेरा सादर क्रांतिकारी जय भीम है। मैं ऋषि गौतम जिला उपाध्यक्ष अमेठी। साथियों, पहले तो हमें आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए थी। हम उस वक्त भी गुलाम थे। हमें असली आजादी जो हमें आजादी मिली वो 26 जनवरी 1950 को मिली, क्योंकि इस दिन हमारे मान सम्मान गौरव बोधिसत्व बाबा साहब द्वारा लिखी गई जो एक हमारे लिए किसी भी ग्रंथ से बड़ी चीज है, हमारा संविधान लागू हुआ और उस संविधान में हम सबको जानवरों से इंसान बनाने की जो विधि थी वो लागू हुई, इंसान बनाया गया। हमें इंसान बनाया गया। जिस तारीख को हमें इंसान बनाया गया वो तारीख थी 26 जनवरी 1950। इसलिए जितने भी हमारे त्योहार हैं, जो भी हम मनाते हैं, उन सब में अगर हमारे लिए कोई बड़ा त्योहार है तो आज का दिन है। इसलिए हमें ये त्योहार हर घर घर में मनाना चाहिए और हमारे खासकर बच्चों को सबको बताना चाहिए। मैं दो बात कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। मुझे बात कहने का वो ये है, मैं खाली संविधान के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज बाबा साहब ने संविधान को देख गए हैं। इस संविधान की रक्षा करना है मेरे पास, और संविधान की रक्षा कैसे होती है, जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं स्कूल में जाके, जब स्कूल में पढ़ेंगे तो संविधान के बारे में जानेंगे, तो खुद रक्षा उसका करना उनको आ जाएगा। करना है। बागेश्वर वाले बाबा ने क्या कहा,
क्या किया मालूम है तुम लोगों को? मरे हुए लोगों से वो बात करता है। और वो कौन है मरा हुआ लोग? रावण। रावण को अपने बात किया है। मैं उनका प्रूफ भी दे सकता हूं। वो बोल रहा है मैंने रावण से बात किया है। Thank you.